तकरीबन एक से डेढ़ महीने में बहुत तेजी से सड़क पर स्थितियां बदली हैं और लोग बाहर आना शुरू हुए हैं, और बिल्कुल उसी क्रम में सरकार ने रिएक्ट करना भी शुरू किया है। अभी एक दिन पहले की बात है कि सूचना प्रसारण मंत्रालय से एक निर्देश आया और कहा गया कि फेक न्यूज़ को रोकने के लिए वो एक प्रावधान कर रहे हैं जिसमें कि जो पत्रकार फेक न्यूज़ फैलाएगा उसकी पीआईबी मान्यता रद्द की जाएगी। ये आदेश उन्हीं पत्रकारों के लिए था जो मान्यता प्राप्त है पीआईबी से, कि खुद प्रधानमंत्री मोदी को कल दोपहर में अभी कहना पड़ा कि नहीं, ये आदेश खारिज किया जाता है। कहने का मतलब कि आप देख रहे हैं कि किस तरीके से जो सरकार इनविंसिबल थी, जो नरेंद्र मोदी इनविंसिबल थे, जिनके बारे में कोई एक शब्द नहीं बोलता था, और राजनाथ सिंह ने कभी कहा था कि ये तो एनडीए एक परिवार है और यहाँ से कोई जाता नहीं है, कोई रिट्रैक्ट नहीं करता है। अब हालत ये है कि कुल मिला के तकरीबन 2500 मान्यता प्राप्त पत्रकारों के आवाज के चलते प्रधानमंत्री मोदी को आके खुद मुजबानी तौर पे एक आदेश रद्द करना पड़ा है अपनी ही मंत्री का। क्या ये स्थितियां कह रही हैं, इन स्थितियों का क्या कोई संकेत है, आखिर इसको हम समझें कैसे, देश का माहौल जो चल रहा है इसे समझने के लिए हम यहाँ बैठे हैं। और मैं अब अपनी बात को रोकूंगा और मैं चाहूंगा कि सबसे पहले पंकज जी ये बताएं कि आखिर इस पूरी परिस्थिति को वो कैसे देखते हैं। देखिए, इस समय जो देश में हो रहा है, जिस तरह से असंतोष है, चारों तरफ असंतोष नजर आ रहा है, ये सामान्य परिघटना नहीं लगती। ऐसा असंतोष मुझे लगता है कि आजाद भारत में पहले कभी नहीं हुआ। 77 के जिस आंदोलन की बात, इमरजेंसी के खिलाफ जिस आंदोलन की बात की जाती है, उस समय भी जो संवैधानिक संकल्प थे उसको, उसकी मान्यता पर कोई विवाद नहीं था, ना सत्ता पक्ष की ओर से ना विपक्ष की ओर से, बल्कि ये था कि देश में तानाशाही है। जो सरकार थी उसने कहा कि ये देश ऐसे खतरों से घिरा है कि इमरजेंसी जरूरी है, और लेकिन विपक्ष ने उसे तानाशाही करार दिया और बड़े पैमाने पे लोग निकले। लेकिन ऐसा पहली बार नजर आ रहा है कि भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के जितने मूल्य थे, जो संकल्प थे, ऐसा लगता है कि उस पर कुठाराघात हो रहा है, और वो कुठाराघात कोई और नहीं, भारत की केंद्र सरकार और उसके पीछे खड़ा हुआ जो राजनीतिक पक्ष है, अगर मैं सीधे कहूं तो आरएसएस है, उसने किया हुआ है। ये ऐसा पहले कभी नहीं हुआ कि लोगों की पतीली की पड़ताल की गई हो, उनके घर में घुस के रसोई में देखा गया हो और कहा गया हो कि साहब ये तो गोमांस खा रहे थे, उसको मार दिया गया हो, और मारने वाले की जब किसी कारण से मृत्यु हुई तो उस पर तिरंगा उसे उड़ाया गया और केंद्रीय मंत्री वहां गया। ये पहली बार है कि इस देश के अल्पसंख्यकों को एकदम कह दिया गया है कि हमें तुम्हारी जरूरत नहीं। ये पहली बार है कि जिस राम की अभय मुद्रा सबसे ज्यादा हमारे दिलों में थी, जो मर्यादा पुरुषोत्तम थे, उनकी जब रामनवमी उनकी मनाई गई तो पूरे देश में नंगी तलवारें लेकर जुलूस निकाले जाते हैं, और उसका पहला मकसद होता है कि किसी अल्पसंख्यक मोहल्ले में जाओ जहां अल्पसंख्यकों की सघन बस्ती हो और वहां ऐसे नारे लगाओ कि उसकी कुछ ना कुछ प्रतिक्रिया जरूर हो, और दंगे हो गया। इस देश में जो राजनीति चल रही है उसने उस सहमति को तोड़ दिया है, जिसके पास सत्ता है उसने उस सहमति को तोड़ दिया है जिस पर यह विविधता भरा हुआ, विविधतापूर्ण देश टिका हुआ था। इस देश को एक देश, एक राष्ट्र बनाना था। ये 5000 साल पहले जो लोग कहते राष्ट्र था, उनकी समझ पे कुछ कहने की जरूरत नहीं है, लेकिन हमारा जो राष्ट्र है जिसको बनना था, वो बनना था भारतीय संविधान की और स्वतंत्रता आंदोलन के संकल्पों पर। वो बिल्कुल एक नई बात थी, अतीत में कभी नहीं हुआ कि इस देश के सभी लोगों को बराबर माना गया। ये पहली किताब है भारतीय संविधान जिसने किसी भी जाति, किसी भी धर्म, लिंग का भी भेद मिटाते हुए सबको एक माना है, भारतीय नागरिक माना है। आर्थिक रूप में जिस तरह की त्राही त्राही है, चाहे वो रोजगार का सवाल हो, किसानों की आत्महत्या का सवाल हो, मजदूरों का सवाल हो, हर तरफ, यानी जिनको नौकरियां थी उनकी नौकरियों पर खतरा है, श्रम सुधार के नाम पर जो उपलब्धियां थी, चाहे काम के घंटे का या उस सेवा शर्तों का, उस सब पे एक कॉर्पोरेट
और एक मिडिवल किस्म की जो मध्ययुगीन चेतना कह लीजिए आप, उसके साथ एक ऐसा गठजोड़ बन के भारत नाम के विचार पर हमला हो रहा है। और ये जो खलबलाहट, ये जो त्राही त्राही चारों तरफ नजर आ रही है, उसकी मूल वजह मुझे ये लगता है। हम जानते हैं कि पिछले 20-25 साल से इस देश में किसान लगातार खुदकुशी कर रहा है, लगातार मर रहा है, कोई पूछने वाला नहीं है। और अब तो पिछले 2 साल से ये हो रहा है कि जिस तरह से पशु अर्थव्यवस्था किसानों की थी गांव में, उस पे गाय के नाम पर हमला किया गया। अभी पहलू खान को मरे एक साल कल हुआ है, और कल एक बड़ा कार्यक्रम हुआ था इस पर। इधर बीच जितने भी आंदोलन किसानों के दिखे, उनमें एक बड़ा आंदोलन सीकर में हुआ, मतलब अगर मध्य प्रदेश के आंदोलन को छोड़ दें, मामलगढ़ में तो पिछले 10 साल से किसान धरने पर बैठे हुए हैं। और ये देखिए कि 72,000 उपजाऊ जमीन 3 सीमेंट प्लांटों के लिए एक्वायर की जा रही है, और 10 साल से उस पर कोई सुनवाई नहीं हो रही है। ना सरकार देख रही है, दो सरकारें बदल गई, लेकिन अभी तक उस पर कोई बात करने वाला नहीं। सीकर का जो आंदोलन है वो कर्जा माफी को लेकर था, और जो किसान क्राइसिस जो है वो आंदोलन में आपको देखने को मिला होगा कि जो सामंती जो प्रदेश है राजस्थान, उसमें महिलाएं उस आंदोलन में नेतृत्व करने के लिए आगे निकल के आ रही हैं। इसका मतलब हम ये तो देख सकते हैं कि ये सामान्य स्थिति नहीं है, कि क्राइसिस इतना गंभीर है कि महिलाएं बाहर आ रही हैं, रोड जाम कर रही हैं, डंडे ले रखे हैं, लोग सड़कें जाम कर रहे हैं। तो इससे सरकार झुकने को झुक भी रही है, मना भी रही है, और एक कदम पीछे भी जा रही है। फिर सीकर के किसानों पर लाठीचार्ज हुआ है, किसानों को गिरफ्तार किया गया है। इस बार इशू था कि टोल नाका था, उसका जो किसानों के वाहन है उन पर टैक्स लगाया गया, तो उसको बंद करवाने को लेकर था। 22 दिन के धरने पर सरकार ने वार्ता के नाम पर उन पर डंडे चलाए, है ना। तो इसी तरह से अगर पश्चिमी राजस्थान में आप जाएंगे तो वहाँ पर भी इसी तरह से आदिवासी और दलितों के आंदोलन चल रहे हैं, जो कि सरकार के खिलाफ है। जो हमको जो बाई इलेक्शन हुए उनमें परिणाम भी देखने को मिल रहे हैं। और राजस्थान का जो जनमानस अभी का है वो है कि अगर इलेक्शन अभी भी होते हैं तो भाजपा सरकार वहाँ नहीं आ रही है। मोदी जी जब आए थे 2014 में तो ये कहा गया था कि सबसे ज्यादा प्रभावित अगर कोई सेक्शन ऑफ वोटर है तो वो महिलाएं हैं, क्योंकि महिलाएं, चूंकि वो अपेक्षा थी मोदी जी से विकास और तमाम चीजों के जो उन्होंने वादे किए थे, तो महिलाओं को ज्यादा अपेक्षा थी और महिलाओं ने वोट किया, ये एक सच है। आखिर क्या हुआ ऐसा कि दलित महिलाएं, किसान महिलाएं, छात्र छात्राएं और अलग अलग तबकों की जो महिलाएं हैं वो अचानक से मतलब सड़क पर उतर रही हैं, और मतलब हर एक आंदोलन में उनकी भागीदारी बराबर दिखाई पड़ रही है। आज स्थिति ये है दरअसल कि आप देखें तो बहुत दिन बाद हमें नजर आ रहा है कि चाहे वो सामाजिक लिहाज से लोगों को देखें या वर्गीय लिहाज से देखें, यानी जाति या वर्ण और वर्ग, दोनों स्थितियों पे संघर्ष एक ही दिशा में। अगर आप जो किसान आंदोलन जो लोग कर रहे हैं राजस्थान से लेके मध्य प्रदेश से लेके या जहां भी, तो आप देखेंगे कि वो जाहिर है आमतौर पर पिछड़ी जाति के लोग हैं, आदिवासी हैं, दलित हैं, अगर आप उस दृष्टि से देखना चाहें। किसान है, स्त्रियों को एक उनका स्त्री जो एक महिलाओं का सवाल है वो पूरी लड़ाकू ढंग से बाहर आई है, लेकिन उनका वर्गीय सवाल भी है। छात्र है वो बड़े पैमाने पर, किसान है उनके घर की स्त्रियां हैं। किसान आंदोलन में राजस्थान पे बड़े पैमाने पे स्त्रियां निकली, महिलाएं निकली, यानी जो इस समय इस देश में सरकार के 4 साल अभी 1.5 महीने बाद होने जा रहे हैं, जो संतोष है वो हर लिहाज से आप किसी भी रूप में उसको देखें तो वो मतलब फूट पड़ रहा है। रोजगार का सवाल इतना बड़ा सवाल था जिसको आरक्षण महत्वपूर्ण है उसमें रिड्यूस कर दिया जाता है, लेकिन उससे बड़ा सवाल रोजगार का, क्योंकि आरक्षण की स्थिति यह है कि सरकारी नौकरियां लगातार खत्म की जा रही है, तो आरक्षण दोगे कहां? तो जब रोजगार ही खत्म हो रहे हैं तो आरक्षण कहां देंगे? तो नया सवाल उठेगा। आप ये जान लीजिए, मायावती ने उसका इशारा भी किया है कि आने वाले दिनों में निजी क्षेत्र में आरक्षण का मुद्दा बहुत बड़ा होने वाला है। ये महिलाएं व्यापार में भी हैं, उनको बुरी तरह, नोटबंदी ने किसको सबसे ज्यादा बर्बाद किया? घरों में जो पैसा रखा था, जिन्होंने अपने जीवन में छुपा के अपने परिवार से रखती है, खास तरह की मानसिकता होती कि गाहे बगाहे बहुत गाढ़े वक्त पे काम आएगा, वहां तक मोदी जी के हाथ पहुंचे। और उस नोटबंदी ने उस पूरे, जैसे लगता है कि पर्दा बोझ के फेंक दिया, व्यापारी बर्बाद हो गए, छोटे दुकानदार जो महिलाएं अगर
बाजार में जो रेडी लगाती है, छोटी छोटी दुकान लगाती है, महिलाएं में बड़ी तादाद है उनकी, वो सब नोटबंदी से, और आज भी सरकार का कोई अर्थशास्त्री ये कहने को तैयार नहीं है कि नोटबंदी से क्या फायदा हुआ, या नोट गिने ही नहीं जा सके, इससे बड़ा हास्यास्पद तो कुछ हो ही नहीं सकता। मसला ये नहीं कि मोदी जी की डिग्री फर्जी है, वो बता नहीं रहे, उन्होंने इस देश को विराट फर्जी वाले में बदल दिया, और उनके समर्थकों ने जिस तरह से वो ट्रोल का पूरा वो है कि हर जायज प्रश्न पर वो एक इस तरह का माहौल बनाते हैं कि बस मुसलमानों के खिलाफ इस देश में कोई वो होना चाहिए, यही इस देश की मुक्ति है, और दरअसल ये इस देश की बर्बादी का रास्ता है। तो क्या हम ये माने कि ये सारी लड़ाइयां, जितना भी सड़क पर हो रहा है, संतोष दिख रहा है, वो सब सिर्फ और सिर्फ भाजपा को केंद्र सरकार से हटाने पर लक्षित है, या वास्तव में समाज इतना अनगवर्नेबल हो गया है, इतना अराजक हो गया है कि अब सरकार का होना या न होना, मोदी जी का होना या मनमोहन सिंह का होना, बहुत मायने नहीं रखता है। विपक्ष इसका फायदा स्वाभाविक रूप से उठाएगा चुनावी प्रक्रिया में, और वो उसको कोई रोक नहीं सकता। लेकिन मेरा ये कहना है कि इसी प्रक्रिया में कुछ मुद्दे अब इस तरह चले गए हैं कि अगली सरकार जो भी हो उसका उसे जवाब खोजना पड़ेगा, अगर नहीं उसने उसको संबोधित किया तो उसके लिए मुश्किल हो जाएगी। जैसे स्वामीनाथन कमेटी की रिपोर्ट सिफारिशें, यानी आपके उत्पादन लागत का 1.5 गुना आपको किसान को मिलना चाहिए, ये बुनियादी बात, ये जो बात है ये धीरे धीरे रिश्ते रिश्ते गांव गांव पहुंच गई है। अब कोई सरकार जो आज सब लोग कह रहे हैं कि अब स्वामीनाथन सिफारिश लागू करेंगे कमेटी की, इससे वो पीछे नहीं हट सकते। तो सरकार बदलती नहीं है तो ये मुद्दे अब बड़े हो गए। दलितों का जो सवाल है, जो जाति उत्पीड़न का, दलित उत्पीड़न का प्रश्न है, SC ST एक्ट का प्रश्न है, ये सारे, या रिजर्वेशन का प्रश्न है, जो तमाम यूनिवर्सिटीज में जिस तरह से पूरी यूनिवर्सिटी को की जगह विभाग को मान लिया गया है कि रिजर्वेशन विभाग को यूनिट मान के दिया जाएगा, जिसका अर्थ हुआ कि अगर 13 सीटें आए किसी विभाग में तब जाके सबको रिजर्वेशन मिल पाएगा, यानी 2-3-4 की अगर सीट निकली तो रिजर्वेशन भी नहीं मिल पाएगा, तो इस तरह से उसको बेमानी बना दिया जाए। तो ये जो इसको लेकर एक आक्रोश है यूनिवर्सिटीज में, पिछड़ी जातियों में, दलितों में, तो इस मुद्दे को तो एड्रेस करना पड़ेगा। तो हर आंदोलन, जैसे जब अन्ना का आंदोलन हुआ और आज मोदी के खिलाफ जो बातें हैं उसमें यह भी है कि उन्होंने लोकपाल के नाम पर बेवकूफ बनाया, तो हर आंदोलन में, चाहे जब 77 के आंदोलन में ऐसी स्थिति बनी कि अब इमरजेंसी लगाना आसान नहीं है, वैसे ही हर आंदोलन में कुछ मुद्दे ऊपर उठ आते हैं, उसका फायदा कोई भी उठाए, लेकिन वो मुद्दे रह जाते हैं और वो नई कसौटी, नई चुनौती नई सरकार के लिए हो जाती है। इतने सारे तबकों के आंदोलन के बावजूद चुनावी तौर पर देखें तो मोदी जी को खतरा सिर्फ उसी युवा वर्ग से है, प्रैक्टिकली जिस युवा वर्ग का नारा देके डेमोग्राफिक डिविडेंड की बात करके 18 से 35 साल का मोदी जी चुनाव जीत के आए थे। जो शैक्षणिक संस्थानों पर मोदी सरकार के बाद हमले हुए हैं, तो उस संदर्भ में हम जब शैक्षणिक संस्थानों को देखना शुरू किए तो हमारे पास अभी तक 80 शिक्षण संस्थानों पर जो हमले हुए हैं छात्रों पर, छात्राओं पर, है ना, उनके अधिकारों का वायलेशन करते हुए, तो 80 कॉलेजों तक हम लोग पहुँच गए, हमारे पास टेस्टिमनी आई है, तो वो दिल्ली में अपनी बात रखने अभी अप्रैल में आ रहे हैं। तो आज की चर्चा में हमने देखा कि मतलब कैसे सड़क पर जो कुछ दिख रहा है वो आगे क्या शेप ले सकता है, चुनावी तौर पर भी और सामाजिक संघर्षों के बतौर भी उसकी स्थिति कैसी रहने वाली है, कि नरेंद्र मोदी और उनकी सरकार को प्रचंड बहुमत के कारण इनविंसिबल माना जा रहा था। इनविंसिबल मतलब कि कोई चुनौती नहीं दे सकता, इनकरप्टिबल माना जा रहा था, मतलब कि ये भ्रष्ट हो ही नहीं सकते। ये जो धारणा थी 4 साल पहले कि न ये भ्रष्ट हो सकते हैं, न इनको कोई चुनौती दे सकता है, ये धारणा छिन्न भिन्न हो गई है। नरेंद्र मोदी की जो मन की बात, जो रेडियो पर जो बातचीत आती है, उस पर एक किताब का लोकार्पण राष्ट्रपति भवन में राष्ट्रपति ने किया था 25 मई को। आज ये बात खुली है कि उस किताब पर जो लेखक का नाम लिखा था राजेश जैन, उस लेखक ने इनकार कर दिया है कि उसका कोई लेना देना इस किताब से। अगर आपको ये बात मामूली लगती है, ये खबर मामूली लगती है, तो इसका कुछ नहीं किया जा सकता, लेकिन जिस तरह का सुरक्षा कवच, जिस तरह की ताकत, जिसको बोलते हैं आयरन फिस्ट, से पिछले 3-4 साल से इस देश में राज हो रहा है,
वहां पर प्रधानमंत्री की किताब पर जिस व्यक्ति का नाम लिखा है वो डिनाई कर दे मीडिया से कि इससे मेरा कोई लेना देना नहीं है, मुझे पीएमओ जबरन उठा के लाया था कार्यक्रम में और लिखा भाषण दे दिया पढ़ने को, आप समझिए कि चुनौती मिलना शुरू हो गई है और बेहद इनसिग्निफिकेंट क्वार्टर से जो जगह मायने रखती हैं वहां वहां से आवाजें उठ रही हैं, जिसको अंग्रेजी में कहते हैं स्पिलिंग द बीन्स। तो अब बीन्स स्पिल होना चालू हो गए हैं, मतलब कि चीजें अब निकल के बाहर आ रही हैं, किस दिन ये घड़ा फूटेगा और क्या क्या बाहर आएगा इसमें बहुत वक्त नहीं रह गया है, और ये सिर्फ एक ट्रेलर है, अगले 9 महीने में क्या होगा हम दोबारा लौट कराएंगे तो बात करेंगे। पंकज भाई का और जितेंद्र भाई का बहुत बहुत शुक्रिया, और हम कोशिश करेंगे कि इस चर्चा को आगे भी जाएंगे।